कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं, उनके आगमन को लेकर प्रदेश की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। ये कहना था रीवा में कांग्रेस नेत्रियों का। आज उन्होंने पत्रकार वार्ता करके तमाम महिलाओं को, तमाम लोगों को जबलपुर पहुंचने की बात कही। उनका कहना था हमारी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए आप लोग जबलपुर अवश्य आए। सुनिए पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा गया। चुनावी रणनीति भी बदलगी और नारी शक्ति के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है। आप सबको याद भी होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला और आगे भी लोकसभा और विधानसभा के भी आरक्षण का जो बिंदु है वो अभी भी लोकसभा में पेंडिंग है। जब सोनिया गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचती है, बेहतर सोचती है। तो यहाँ की जो महिलाएं वो बहुत आशान्वित हैं और उत्साहित हैं कि नारी शक्ति को एक ताकत मिलेगी। इसलिए हमारी जरूर इच्छा है कि आप सब भी जरूर पधारें। हम लोग सभी महिलाएं 12 तारीख को प्रियंका गांधी जी के आने पर जबलपुर, यहां से हजारों की तादाद में हम सभी महिला जाएंगे सुबह और वहां हम सब उनसे मुलाकात करेंगे। वो सबसे मिलने भी आ रही हैं और हम महिलाओं के लिए, वो हमेशा से ही लड़की हूँ लड़ सकती का जो नारा दिया है उसी के उसमें हम सभी महिलाएं वहां पे पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम रीवा से जाएंगे वहां। प्रियंका गांधी जी हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार आ रही हैं, उनका स्वागत बंदर में होता है। वो हमेशा ही महिलाओं और बहनों के साथ दिया है और हम चाहते हैं कि उनके स्वागत के लिए हमारी सारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा चलकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद।